क्या सोचा है इस बार, किसको वोट देंगे? इतनी अराजकता, इतनी गुंडई यहाँ पे है। 7 बजे के बाद अच्छा व्यक्ति घरों से नहीं निकलता, इतनी गुंडई है प्रत्याशी जो खड़ा है अभी आज मौजूदा, कैसे ऐसे वोट दे देगा इनको? नरेंद्र मोदी 100 सीट नहीं पाएंगे पूरे भारत में। बीजेपी का कोई नहीं, दिनेश सिंह तो वो सिर्फ ऐसे के चुनाव जीत सकते, बाकी न था ऐसे कोई चुनाव जनता के चुनाव नहीं जीत सकते। वोट का तो माहौल पूरा कांग्रेस का ही, राहुल गांधी जी को ही है। कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, देना के काम किया है, लेने का कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, देने का ही काम दोनों हाथों से दिया है, रेल कोच दिया, गन्ना फैक्ट्री दी। इनकी सरकार में जो गन्ना फैक्ट्री रही वह चली गई, हम लोग 15 बीघा गन्ना बोई तरह कहाँ ले जाएंगे? परेशानी आई। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ बनते आ रहे हैं। अरे वो बनते आ रहे हैं, किस तरह बनते आ रहे हैं ये तो वो जानते, वो भी जानते हैं किस तरह बनते आ रहे जो हैं। इस बार राहुल गांधी 5 लाख वोटों से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे जो है। इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली में है, जहां एक तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ से दिनेश सिंह हैं। रायबरेली के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है रायबरेली का ये हम जान लेते हैं। वैसे कहा जाता है, और हमने परिणाम अगर इतिहास उठाकर देखे राजनीति का, तो रायबरेली से कांग्रेस का पुराना रिश्ता है। यहाँ के लोगों में क्या कुछ मन में इस बार सोचा है कि किसको अपना वोट देकर सांसद चुनेंगे? राहुल गांधी इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, लोगों के मन में क्या कुछ है तो चलिए जानते हैं। कहाँ से आप? रायबरेली से हैं जी। क्या सोचा है इस बार, किसको वोट देंगे? वोट टोटल इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी को जाएगी। तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। नरेंद्र मोदी 100 सीट नहीं पाएंगे पूरे भारत में। आज की वोट परसेंटेज देखा आपने? 70% के ऊपर वोट जा रहा है, बढ़ा वोट सब कांग्रेस को जा रहा है। तो लग रहा है ऐसा कि कम होंगी सीटें। ये रायबरेली 20, वो ये यूपी में 20 सीट नहीं जीत पाएंगे यूपी में। ऐसा क्यों? रायबरेली लगातार कांग्रेस को ही जिताता है, ऐसे क्या खास बात है, क्यों इतनी लगी है रायबरेली को कांग्रेस पार्टी? 10 साल इनको भी तो हो गए, इसके पहले की सरकारें छोड़ दीजिए, 10 साल तो ये भी तो हैं। इन्होंने क्या किया रायबरेली में? अरे रायबरेली के वो हालात हैं, शीर्ष नेतृत्व को मालूम नहीं होगा, इतनी अराजकता, इतनी गुंडई यहाँ पे है, एक छत्र राज यहाँ पे है, दलित पिछड़ा बैकवर्ड बाहुल्य जिला है, इतना अराजकता। 7 बजे के बाद अच्छा व्यक्ति घरों से नहीं निकलता, इतनी गुंडई है प्रत्याशी जो खड़ा है अभी आज मौजूदा, कैसे ऐसे वोट दे देगा इनको? वोट बहुत मजबूत चीज़ होती है, वोट ऐसी चीज़ है जिससे देश और प्रदेश और परिवार से लेके, आप कह रहे हो ना गुंडागर्दी है, कैसे? कोई तो तथ्य होंगे ना, आप कैसे हैं, क्या माहौल बना हुआ है, कहाँ कहाँ देखते हैं आप? जितने हर संस्था में इन लोगों का एकाधिकार, एक जाति का एकाधिकार, अच्छा, दूसरे कोई न ठेका न पट्टा न कोटा न कोई, सारे काम इन लोगों के निजी अपने हैं। और अब क्या है शीर्ष नेतृत्व, इसके बारे में कहने की हमको जरूरत नहीं। और भी भाजपा में बहुत मौजूद पड़े थे, उनको टिकट मिली। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है इस बार कि कांग्रेस को आएंगे, कांग्रेस से ये चीज़ें ठीक कर देंगे क्या? राहुल गांधी तो इनका पूर्वज, इनके पूर्वज लोग भी जो थे, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, श्रीमती, इन लोगों ने तो काम करके दिखाया। बगल में यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर रेल कोच, ये इसी पीछे बगल में एम्स, अरे इतनी योजनाएं जिसका कोई जवाब, इन्होंने क्या किया 10 साल में? आधा एम्स यहाँ लेके चले गए, क्या किया इन्होंने, किस भी यहाँ पे दिया? और ये रायबरेली जिला समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का जिला है, यहाँ टिकट देने में कुछ गड़बड़िया हो गई, नहीं 6 विधायक जीते, ये तो विधायक भी नहीं जीत पाए, वो भी 2 विधायक जीते, कैसे जीते पता ही नहीं इनको। सोनिया गांधी के लिए कहा जाता है कि वो जब सांसद थी बहुत कम आई हैं, बाद में बीमारी का बहाना बना लिया, लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, इनके कहने से हो गया, विपक्ष कह रहा है, जनता कोई कह रही है, इस दौर में कम से कम सांसद निधि से 5000 वोटर का ये गांव है, जिसमें 80-95% पटेल बिरादरी, इस गांव में कम से कम सैकड़ों लोगों को सांसद निधि से मदद मिली है। और इसी विधानसभा के बाबा कमलनयन, पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कमलनयन वर्मा, कांग्रेस पार्टी 17.5 साल विधायक रहे। ठीक है, और भी लोगों से जान लेते हैं, जनता से आपका क्या कहना है, किसको इस बार वोट देंगे, क्या मुद्दे हैं? वोट का तो माहौल पूरा कांग्रेस का ही, राहुल गांधी जी को ही है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से रहा है कांग्रेस ही जीती है और जीती रहेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस ने ही रायबरेली में सब कुछ दिया है, जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है। यहाँ पे एम्स लगवाया, इंटरनेशनल स्कूल खुलवाए, सारी बैंकें, कोई ऐसी बैंक नहीं जो रायबरेली में नहीं है।
फायदा मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। इस बार केंद्र में किसकी सरकार देख रहे हैं आप, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार जो इसके में, लेकिन फिलहाल रायबली के लिए यही है कि बस राहुल गांधी के अलावा कोई जीत नहीं सकता है। कम से कम 5 लाख के पार जाएंगे, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो राहुल गांधी और पहले प्रियंका गांधी के लिए भी कहा जा रहा था कि उनको भी उतार सकते हैं रायबरेली से, तो दोनों कैंडिडेट में कौन पसंद है आपको? देखिए, लोग गांधी परिवार में पसंद सबको करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रायबरेली से जो भी आए उसको जिताना है हर हाल में, कांग्रेस के गांधी पर, कांग्रेस से जो भी आएगा उसको जिताना है बस। ठीक है, और भी लोगों से हम जानते हैं, बातचीत करते हैं, आपका क्या माहौल लग रहा है, किसको आप वोट देंगे, क्या लग रहा है? कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो यहाँ पे सब कांग्रेस के ही मौजूद हैं क्या? तो कांग्रेस को ही जिताएंगे आप? कांग्रेस को, आप कहीं भी जाइए कांग्रेस। ऐसा क्यों? कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, देने का काम किया है, लेने का कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, देने का ही काम, दोनों हाथों से दिया है पूरी। राहुल गांधी, अब तो उनके इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, रेल कोच दिया, गन्ना फैक्ट्री दी, इनकी सरकार में जो गन्ना फैक्ट्री रही वह चली गई। हम लोग 15 बीघा गन्ना बोई, इतना कहाँ ले जाएंगे? परेशानी आई, वो भी बिक गई। जो वो फैक्ट्री, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? खेती करते किसान। तो किसानों को लेकर क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है, क्या है बताइए? बीजेपी हमारे ठीक तो नहीं सही। ठीक है, आप आइए, युवाओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि युवाओं का क्या कुछ कहना है, क्या करते हैं आप? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ जो है, और लोगों के बीच में हमेशा बना रहता हूँ जो है। हाँ। समय समय पे लोगों की मदद करता हूँ जो है। तो नेतागिरी में उतर गए हैं? यस। क्या करें जो है, यहाँ बेरोजगार युवा एकदम बेरोजगार है। हाँ। जो डिग्री यहाँ लेके बैठे घर में जो है, किसान साढ़ तक रहे जो है, आप देख लीजिएगा सामने, जरा कैमरा घुमा लीजिएगा उस तरफ देख लीजिएगा, कितने साढ़ जो है, घुमा लीजिएगा कैमरा, देख लीजिएगा जो है, घुमा के दिखा दो भाई एक बार, इतनी बार कह रहे हैं क्या वहाँ लोग बड़े सब परेशान है जो है, इनको खेत खेत के परेशान है, रात में रात दिन सब परेशान है जो है, बेरोजगारी चरम सीमा पे जो है, महंगाई, किसान को नहीं है रोजगार, कौन सा रोजगार है? लोग क्या करते हैं, मेन मुद्दा क्या? गेहूँ कट गया है जो है, अब इसको बेचेंगे, उसके बाद धान लगाएंगे, उसके बाद फिर तकेंगे जो है, साण लील गार सब तक ये तकेंगे जो है, उसके बाद भी ठंडी बरसात जाड़ा गर्मी सब ये लोग करते जो है। जो युवा है, अभी UPP का पेपर निकला था जो है, पेपर देके घर नहीं पहुंचा, वो 300 किलोमीटर से आ रहा पेपर देके, 600 रुपये फीस जमा किया उसको जो है, पेपर भी वो भरा जो है, 1000 रुपये लगा के वो भाड़ा गया जो है, वहाँ से घर पहुंचा, सोचा कि भाई ये पेपर निकल जाएगा मुझे नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी क्या मिली जो है, पता लगा उसको क्या, पेपर लीक हो गया जो है, 6 लाख कितने जो 6 लाख से कितने ऊपर भरे थे पता, ये तो पता नहीं मुझे जो है, मगर जितने भी लोग भरे थे वो सारे जो है बेरोजगार बैठे जो है, कह रहे कि जो है उम्मीद एक थी जो है वो भी जो है टूट गई जो है। लगातार मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ बनते आ रहे हैं। अरे वो बनते आ रहे हैं, किस तरह से बनते आ रहे हैं ये तो वो जानते, वो भी जानते हैं किस तरह से बनते आ रहे जो है, उसका कोई ले उससे जो नहीं, मगर जो मुद्दे की बात है जो है, यहाँ कांग्रेस जो है जीतेगी और जीतती रहेगी जो है। इस बार राहुल गांधी जी, इस बार राहुल गांधी 5 लाख वोटों से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे जो है, और PDA का जो गठबंधन है जो है उसमें हम लोग जो है उनकी मदद करेंगे, और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से कार्यकर्ता जितना भी है जो है, कैंडिडेट का क्या माहौल बना? BJP कैंडिडेट का जो है यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं जो है, जब वोट ही नहीं तो चर्चा क्या जो है, जब कोई चर्चा ही नहीं जो है, बूथ पे जो अभी पूर्व में 2022 का चुनाव था जो है, जो यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह उनको जो जीता वो लड़े थे चुनाव जो है, उसके सामने राहुल लोधी थे, राहुल राजपुर लोधी जो है, जब उनके सामने वो नहीं जीत पाए तो ये क्या जीतेंगे जो है, हैं जब उनके सामने वो जी जीत पाए जो है तो ये क्या जीतेंगे जो है? कुछ भी नहीं थे वो, राहुल लोधी गरीब आदमी परिवार का आदमी जीत गया, जो उन जीत रहे हैं इनका कोई महत्व नहीं, पैसे वाला तो जीत सकते हैं, जो वोट खरीदना है या बेचना है वो मत जीत सकते हैं, मगर ये नहीं जीत, बाकी जनता कांग्रेस भी खरीदती है क्या? नहीं नहीं, कांग्रेस अपने लोगों की, कांग्रेस दिल की सोच अच्छा है, उनसे लगाव है, सोनिया गांधी से लगाव, राहुल गांधी से लगाव है, उससे भी लगाव है। यहाँ पे ये मुद्दा है जो है, ठेकेदारों को जो है ठेका दो और वोट BJP खरीदवाती है, मगर ठेकेदार पब्लिक इतनी पागल थोड़ी ना जो है कि ठेकेदारों कहने, आप सब पब्लिक भी जानती है जो है कि हमें किसको वोट करना है, किससे हमारा लाभ है जो है, किसानों को कहते MSP वो करेंगे जो है उसको भी अभी तक नहीं जो है, 25 रुपए में गेहूँ था, अब सरकारी रेट है, बकैन 22.5 में करो, 25 में मत करो जो है, यूरिया 250 की थी 270 की हो गई जो है, 75 की, उसमें 5 किलो चोरी भी कर लिए जो है, 45 किलो कर दिए जो है, इनका भी दुख जान लेते हैं। आप किसको वोट देंगे इस बार? मैं तो गठबंधन को वोट दूंगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन को? इंडियन गठबंधन को। तो ऐसा क्यों?
ऐसा क्योंकि राहुल ने जो काम किए हैं यहाँ रायबली के लिए, गांधी परिवार यहाँ बहुत सारा काम किए हैं। राहुल अभी आए हैं, राहुल आए हैं लोकसभा, लेकिन हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना काम किया है रायबली से, उनके लेके उनके समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है इनके लिए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने से जितना वोट बैंक है इनका सब कांग्रेस में ही जाएगी, कम से कम यहाँ से 5 लाख के आसपास वोट जीतेंगे, ऐसा है यहाँ का जी। बीजेपी का, बीजेपी का कोई नहीं, दिनेश सिंह तो वो सिर्फ ऐसे के चुनाव जीत सकते हैं, बाकी अन्यथा ऐसे कोई चुनाव जनता के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, और भी लोगों से हम जानते हैं, यहाँ पे लोग हैं रायबरेली के, इन्हीं से जान लेते हैं आपका क्या माहौल बना हुआ है इस बार, किसको वोट देंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिसका गढ़ है आज आज के टाइम पे उसी का है। अच्छा। जो कोई अपने यहाँ पे विधायक का इलेक्शन नहीं जीत पाया विपक्षी पार्टी के सामने, वो आज यहाँ पे रायबरेली में उसका वो टिकट मिल गया है, तो आज कैसे जीत सकता है? लेकिन यहाँ पे जैसे पुरखों दादा परदादा से यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है, तो यहाँ पे 101% कांग्रेस का ही है। लेकिन इस सरकार में आप देख रहे हैं रायबरेली की रोड के बारे में, केंद्र में बैठी सरकार जब कहीं पैसा पास करेगी तभी वहाँ पे काम होगा। तो रायबरेली में काम हुआ है क्या कि जैसे कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है, वैसा फायदा की तरफ देखिए जाके अभी 10 साल से पूरी हालत खराब है रोडों की, खराब है। हाँ, कहीं भी आप देखो रायबरेली के अंदर कोई हालत रोड की अच्छी है, और ऊपर से अभी कुछ दिन पहले फरवरी में UPP की वैकेंसी निकली थी, उसमें पेपर लीक हुआ, अब इसका माहौल बनाया गया कि अब इलेक्शन के बाद करवाएंगे, उसको तो 10-15 दिन बाद दोबारा रीपेपर करवाया जा सकता है ना। अभी इलेक्शन के बाद क्या लालच है, यही तो जनता का। तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हो? कैमरा हटा, बाद में बता देंगे आपको क्या करते हैं हम, क्या करते हो? अभी न्यूज में नहीं है हम। ठीक है, बस ये रायबरेली का माहौल है कि यहाँ से सिर्फ कांग्रेस ही जीतेगी। ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, देखिए क्या कुछ माहौल है रायबरेली के लोगों से हमने जाना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है, टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के सामने यही आ रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादातर लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और रायबरेली का क्या कुछ माहौल बना हुआ है आप तक पहुँचाएँगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।